आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द सीरीज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन ओपन इकॉनमी इज ऑन कैपिटल कंट्रोल एंड कैपिटल मीन द फॉरन एक्सचेंज दैट इज ईदर कमिंग इन टू द कंट्री आर इट इज फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री इफ इट इज कमिंग इन इट इज कॉल्ड कैपिटल इन फ्लो एंड इफ इट इज गोइंग आउट दैन इट इज़ कॉल्ड कैपिटल आउट फ्लो अब सवाल ये है कि ये जो कैपिटल फ्लाइट है इज इट गुड फॉर द इकॉनमी अगर ये अच्छा है देन इट शुड बी एनकरेज फिर तो इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए कि कैपिटल फ्लोज होने चाहिए चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो और अगर कैपिटल की फ्लाइट इनफ्लो या आउटफ्लो इट्स नॉट गुड फॉर द इकॉनमी देन इट मस्ट बी डिस्करेज थ्रू सम पॉलिसी इंटरवेंशन अब वो पॉलिसी जो कैपिटल की फ्लाइट को रोकती है चाहे वो इनफ्लो का रोकना हो चाहे वो आउटफ्लो का रोकना हो कैपिटल की फ्लाइट कैपिटल के फ्लो को रोकने की पॉलिसी कैपिटल कंट्रोल पॉलिसी कहलाती है तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेदर कैपिटल फ्लाइट इज गुड एंड वेदर वी शुड मेक अ केस फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल फ्लाइट दैट इज कैपिटल कंट्रोल या हम कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है तो बेसिकली हम मेरिट्स और डी मेरिट्स दोनों को डिस्कस करेंगे अब चूंकि कैपिटल कंट्रोल ज्यादा इशू जो है जिसके लिए हम डिस्कस करते हैं वो इमर्जिंग इकानीज होती हैं तो सबसे पहले तो हम कहते हैं डिस्कस करते हैं डिफाइन करते हैं कि इमर्जिंग इकानीज क्या होती हैं इमर्जिंग इकानी से मुराद हम यहां पे ये लेंगे कि जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रेड के ऊपर और कैपिटल के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस उठाई हों यानी कि उनका बैरूनी दुनिया के साथ रबता बढ़ गया हो एक इकोनॉमिक टर्म्स में यानी कि ट्रेड भी ज़्यादा हो गई हो और कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो गई हो चाहे वो इनफ्लो की टर्म्स में हो चाहे वो आउटफ्लो हो तो इसको हम कहेंगे एमरजिंगान अब कुछ इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन स्पेशली जो कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी है इसको बड़ा इफेक्टिव समझते हैं और इसको एडवांटेज ही इस समझते हैं इकानोमी के लिए यानी कि ये अच्छी चीज़ है क्या मतलब कि कैपिटल की फ्लाइट को रोकना अब कुछ केसेस कैपिटल आउटफ्लो को रोकने के बारे में है, कुछ कैपिटल इनफ्लो के बारे में लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ इकानोमिस्ट और पॉलिटिशियंस जो हैं इस फेवर में हैं कि कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी होनी चाहिए अब सवाल ये है कि क्या कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी अच्छी चीज़ है ये इकानोमी के लिए अच्छी है या ये इकानोमी के लिए बुरी तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कैपिटल आउटफ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की यानी कि कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी जो कैपिटल आउटफ्लो के लिए हो, वो क्यों अच्छी हो सकती है देखें जो कैपिटल आउटफ्लो होता है आपकी इकॉनॉमी से कैपिटल निकल जाए इट विल क्रिएट फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन योर इकॉनमी जाहिर है मीशत हिल के रह जाएगी जब उसमें से सरमाया बाहर निकल जाएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक है और चूंकि जो कैपिटल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी आउटफ्लो कर गई जब फॉरेन करेंसी आउटफ्लो करती है तो इसका मतलब है आपकी करेंसी डिवैल्यू या डिप्रिसिएट होगी अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो पॉलिसी मेकर्स को आपकी करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वो मार्केट फोर्सेस से खुद ब खुद जो है वो डिप्रिसिएट कर जाएगी लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी कंट्री की करेंसी वीक हो जाएगी तो करेंसी वीक हो गई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है अब इस किस्म की इंस्टेबिलिटी कंट्रीज अवॉइड करना चाहेंगे अगर इसको अवॉइड करना है तो इसका मतलब है कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी तो अच्छी चीज है क्यों वो कैपिटल के आउटफ्लो को रोकेगी तो ये तो हो गया उसका मेरिट या उसका फायदा लेकिन क्या इसके सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हैं नहीं कैपिटल कंट्रोल पॉलिसी के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे पहला डिसएडवांटेज या उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे आप ले लें कि जो पॉलिसी होती है कैपिटल कंट्रोल की वो ज़रूरी नहीं कि इफेक्टिव भी हो जैसे कंट्री ने कैपिटल कंट्रोल की कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर ली यानी कि बायर सरमाए का फ्लो रोकने के लिए कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी सवाल ये होगा वो इफेक्टिव कितनी होगी मसलन डायरेक्ट कैपिटल की फॉर्म में नहीं लेकिन किसी और तरीके से ट्रेड के ऊपर अंडर या ओवर इन्वाइसिंग की सूरत में भी कैपिटल फ्लो हो सकता है तो पॉइंट यह है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी इफेक्टिव कितनी होगी यह पहला क्वेश्चन है दूसरा पॉइंट यह है कि अगर कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो इसका मतलब है ये खुद सिग्नल है कि गवर्नमेंट पैनिक ले रही है यानी कि गवर्नमेंट पैनिक में है कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर तो चूंकि ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं तो ये तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को खुद सिग्नल करने के मुतरदिफ है यानी कि आप खुद शो कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी वीक हो चुकी है इसलिए हम कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं ये भी कैपिटल कंट्रोल के ऊपर एक डिसएडवांटेज है इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम जो हो सकता है वो ये कि जब कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी आप अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर उससे करप्शन ज्यादा हो सकती है क्यों इसलिए कि कैपिटल आउटफ्लो को रोकना किसने है गवर्नमेंट के लोगों ने तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो कैपिटल को बाहर ले जाना चाहते हो वो हो सकता है रिश्वत दे के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को वो सरमाया अपना बाहर ले जाएं तो इसका मतलब है इससे करप्शन भी बढ़ सकती है इसी तरीके से एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कैपिटल कंट्रोल की पॉलिसी तब अडॉप्ट की जाती है जब आपकी इकॉनोमी में कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो याद रखें जब भी कोई प्रॉब्लम होता 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 है 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 के अंदर उसका एक फर्स्ट फर्स्ट बेस्ट बेस्ट और वो होता है कि जहां प्रॉब्लम प्रॉब्लम उस को ठीक किया जाए तो इकॉनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम था तो कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हुआ तो बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए जिसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है आप कैपिटल की फ्लाइट को रोक दें तो इसका मतलब है जो असल प्रॉब्लम था उससे आपने नजरें उठा ली और जो उसका एंड रिजल्ट था उस पे जाके अपनी पॉलिसी बना दी तो ये एक डिसएडवांटेज होगा अब अगला सवाल ये है कि चलें कैपिटल आउटफ्लो की तो हमने डिबेट कर ली कि इनफ्लो आउटफ्लो के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी अब जो कैपिटल इनफ्लो होता है कि बाहर से सरमाया आपके मुल्क में आ रहा हो क्या ये अच्छी चीज है या इसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है तो देखें इसमें सबसे पहला इश्यू ये है कि कैपिटल आउटफ्लो तभी होगा जब वो किसी टाइम इनफ्लो हुआ होगा तो कई कंट्रीज ये सोचते हैं कि कैपिटल इनफ्लो ही नहीं होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम के वक्त वो आउटफ्लो हो जाए और प्रॉब्लम को ज्यादा स्वीयर कर जाए उससे बेहतर है कि आप पहले कैपिटल इनफ्लो को ही रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ये एक रीजन हो सकती है कि कैपिटल इनफ्लो को भी रोका जा सकता है एक और प्रॉब्लम कैपिटल इनफ्लो का हो सकता है कि जब बाहर से सरमाया आता है, तो देखें फॉरेन एक्सचेंज की फार्म में आता है वो फॉरेन एक्सचेंज आपकी लोकल करेंसी में कन्वर्ट होता है और वो लोकल करेंसी आपके बैंकिंग सिस्टम में आती है जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है उससे बैंक्स की जो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और उससे क्रेडिट बूम जनरेट होता है और बैंक्स जो है वो रिस्की लैंडिंग करना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है अगर आपके बैंक रिस्की लैंडिंग करेंगे तो यह तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका बीज बो रहे हैं आप तो इसका मतलब है कैपिटल इनफ्लो आपके लिए बुरी चीज है तो कैपिटल इनफ्लो को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है तो यह कैपिटल इनफ्लो के ऊपर बैन करने की फेवर में एक आर्गुमेंट है लेकिन कैपिटल आउटफ्लो की तरह कैपिटल इनफ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के भी डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस हैं जैसे बाहर से जो सरमाया आ रहा है वो आपके कंट्री में बड़ा प्रोडक्टिवली भी यूज किया जा सकता है जरूरी तो नहीं कि वो रिस्की लैंडिंग ही हो उससे उसे प्रोडक्टिवली भी यूज किया जा सकता है तो अगर आप उसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते थे और आपने कैपिटल इनफ्लो ही नहीं होने दिया तो इसका मतलब है आपने प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का रास्ता रोक दिया तो ये डिसएडवांटेज है कैपिटल कंट्रोल का कैपिटल इनफ्लो के ऊपर दूसरा कैपिटल इनफ्लो से भी करप्शन हो सकती है यानी कि इनफ्लो पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो गलत चैनल से इन चैनल से हो सकता है आपके अगर आपकी इकॉनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है तो इन नॉट इन दैट सेंस मैं उससे इनफॉर्मल चैनल आप उसे कह लें यानी कि कई ऐसे तरीकों से आपकी इकॉनॉमी में सरमाया आ सकता है जो कि बाहिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी लेकिन वो हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रही होगी तो इट विल इंक्रीज करप्शन इन योर कंट्री फिर अगेन जैसे कैपिटल आउटफ्लो के बारे में हमने कहा कि हो सकता है वो इफेक्टिव ही ना हो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्योंकि कई तरीके हैं जिससे जो कैपिटल ओनर है वो कैमोफ्लाइट कर सकता है यानी कि वो ऐसे तरीकों से कैपिटल को फ्लाइट कर सकता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ ना सके तो जैसे कैपिटल आउटफ्लो की पॉलिसी हो सकता है इफेक्टिव ही ना हो बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है कैपिटल इनफ्लो के ऊपर जो कंट्रोल की पॉलिसी है वो भी इफेक्टिव ना हो फिर एक और इश्यू कि अगर आप यह समझते हैं कि कैपिटल इनफ्लो से रिस्की लैंडिंग होगी और फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो बेहतर यह है कि आप अपने बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म करें उसके अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप करें कि अगर बाहर से सरमाया आए तो वो उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सके ना कि आप कैपिटल को ही रोक लें तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं ना कि आपने जो कैपिटल बाहर से आ रहा है उसको ही रोक देना है थैंक यू